हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी और आज की वीडियो में हम लोग सिलेक्शन सीरीज का डे 30 कर रहे हैं। मतलब आज हमारा जो सिलेक्शन सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मेंस लेवल स्टार्ट करेंगे। मेंस लेवल की पजल्स वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखे कुछ टॉक्स के क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं बनाना। एवरी बॉल्स आर फुटबॉल्स, मतलब कैसे बनाएंगे? एवरी मतलब होता है यहाँ पर ऑल का, राइट? तो सारे के सारे बॉल्स क्या हैं? बॉल्स क्या हैं? सारे फुटबॉल्स हैं। इस तरह से फ्यू फुटबॉल्स आर बैट्स। आ फ्यू का मतलब नॉर्मली सम लगाते हैं हम यहाँ पर, तो सम फुटबॉल्स क्या हो गए? बैट्स हो गए। उसके बाद लिखा है मोस्टली बैट्स आर स्टम्प्स, तो मोस्टली मतलब सम हो गया, मोस्टली बैट्स आर स्टम्प्स, ऐसा लगा दिया। एंड नो फुटबॉल्स आर बास्केटबॉल्स, तो जो फुटबॉल्स है वो बास्केटबॉल्स नहीं है, ठीक है, इसको क्रॉस कर दिया। अब क्या बोल रहे हैं? सम बैट्स बींग बॉल इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बैट्स जो ये बैट्स हैं वो बॉल हो सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी की कुछ यहाँ पर चले जाएं। तो फर्स्ट इज ट्रू हियर। सेकंड पूछ रहे हैं नो बॉल इज बास्केटबॉल। अब देखो फुटबॉल के लिए बोला है कि फुटबॉल कोई बास्केटबॉल है नहीं, फुटबॉल के लिखा है। अब पूरा का पूरा बॉल कहाँ पर आ रहा है? फुटबॉल के अंदर आ रहा है, राइट? तो फुटबॉल के अंदर पूरा बॉल आ रहा है और बॉल कभी भी फिर बास्केटबॉल नहीं हो पाएगा, मना कर रहे हैं नहीं हो पाएगा, ये यही बोल रहे हैं हमसे। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ट्रू हो गया। दो यहाँ पर ट्रू हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड चेक करते हैं। अ फ्यू स्टम्प्स ऑफ फुटबॉल्स, स्टम्प्स ये लिखा हुआ है भाई, देखो स्टम्प का सर्कल ये है और फुटबॉल्स है ना, फुटबॉल्स का ये है, राइट? तो ये दोनों मैच ही नहीं कर रहे हैं, मिल ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, फर्स्ट सेकंड ट्रू है यहाँ पर, तो हम ऑप्शन ए टिक करेंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, राइट? नेक्स्ट देखो, बोल रहे हैं सम ब्लूज आर पिंक, कुछ ब्लू क्या है? पिंक है। ब्लू को बी से और पी को पिंक को पी से लिख दिया। ऑल पिंक्स आर ग्रे, सारे के सारे पिंक क्या है? ग्रे है, राइट? जी लिख दिया। एंड नो ग्रेस आर ग्रीन, तो ये दोनों ग्रे ग्रीन सेम हो रहा है, तो उसको लिख लेते हैं पूरा, नो ग्रे इज ग्रीन, कोई भी ग्रे क्या है? ग्रीन नहीं है, क्रॉस कर देते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट इज सम ग्रीन्स बींग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ग्रीन ब्लू हो सकते हैं। देखो पॉसिबिलिटी आपको बताया है कि सर्कल मूव कर सकता है, तो ये मूव कर रहे ग्रीन वाला का कुछ पार्ट जो है ब्लू में जा सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। इट कैन बी द पॉसिबिलिटी में ट्रू है, फर्स्ट इज ट्रू। सेकंड चेक करो, सेकंड बोल रहे हैं नो पिंक इज ग्रीन। अब देखो कोई भी ग्रे पिंक ग्रे कोई भी ग्रीन नहीं है, अब पिंक पूरा पार्ट ग्रे में आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि पिंक वाला पार्ट ग्रे में ग्रीन में नहीं जाएगा, और हमसे यही पूछ रहे हैं नो पिंक इज ग्रीन, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। थर्ड चेक करो, सम ग्रेज आर पिंक, कुछ ग्रे पिंक है, तो बिल्कुल दिख रहा है कि कुछ ग्रे ये ग्रे है, ये पिंक है, कुछ ग्रे का पार्ट पिंक में जा रहा है, ये भी यहाँ पर क्या है? ट्रू है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ऑल फॉलो कर रहे हैं, ऑल यहाँ पर ट्रू है, ऑल फॉलो कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम ई टिक करेंगे, ई इज राइट हियर, फाइन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? सम स्टार्स आर फैंस, कुछ स्टार्स क्या है? फैंस है, राइट? नो फैंस आर सुपर स्टार, कोई भी फैन क्या है? सुपर स्टार्स नहीं है। ऑल स्टार्स आर को स्टार्स, ऑल स्टार्स इसके लिए बात कर रहे हैं, ऑल स्टार्स क्या है? को स्टार्स है, राइट? अब देखो क्या पूछ रहे हैं, बना लिया वेन डायग्राम, पूछ रहे हैं ऑल फैंस आर को स्टार्स, पूरे फैंस को स्टार्स हैं, लेकिन नहीं, ऑल तो नहीं है, बट अगर हमसे सम पूछे सम हो जाते हैं, बट ऑल नहीं है, तो फर्स्ट इज यहाँ पर फॉल्स, फर्स्ट यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है, राइट? सेकंड पूछ रहे हैं नो को स्टार्स आर सुपरस्टार, कोई भी को स्टार सुपरस्टार नहीं है। अब को स्टार का सर्कल ये आ रहा है, ठीक है, और सुपरस्टार का ये आ रहा है, राइट? अब ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो इसके बारे में पता ही नहीं हमें कि ये है भी, ये ट्रू है नहीं है, वी कांट से एनीथिंग अबाउट दिस, तो वी कांट से इट इज क्रॉस, हम उसे क्रॉस कर देते हैं। सम फैंस आर को स्टार, कुछ फैंस को स्टार्स है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सम यहाँ पर कुछ फैंस, ये वाला पार्ट फैंस का को स्टार में जा रहा है, ये पार्ट देखो जा रहा है ना, तो थर्ड इज ट्रू। ओनली यहाँ पर क्या फॉलो करेगा? ओनली थर्ड ट्रू है, ओनली थर्ड फॉलो, थर्ड मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम डी टिक करेंगे, डी इज राइट हियर, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, ओनली अ फ्यू बुक्स आर कॉपीज, केवल कुछ ही है, ओनली अ फ्यू केस आ गया, मतलब कुछ है कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं के लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा। नो कॉपीज आर पेन्स, कोई भी कॉपी क्या है? पेन यहाँ पर नहीं है, नो कॉपीज पेन। 50% मतलब सम होता है, 50% पेन्स और पेंसिल, पेन पेंसिल दे रखा है, तो उसको इस बेटर कि हम इसको लिख लें ताकि मिस्टेक ना हो, तो इसको पेंसिल लिख लिया हमने यहाँ पर, पेन और पेंसिल। ईच पेंसिल, ईच मतलब होता है ऑल, ऑल पेंसिल आर इरेजर, तो सारी की सारी पेंसिल यहाँ पर क्या है? इरेजर हो जाती है, राइट? इस तरह से बनेगा इसका वेन डायग्राम। क्या पूछ रहे हैं? नो बुक्स बींग कॉपी इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी बुक कॉपी नहीं होगी इसकी पॉसिबिलिटी है। अब देखो कोई भी बुक नहीं होगी, बट ये वाला पार्ट तो बुक का कॉपी में ही है, तो ये गलत हो गया। पूछ रहे कोई भी नहीं होगी तो ये रॉन्ग हो जाता है। पूछते सम नहीं है तो हम फिर भी एक बार कंसिडर कर सकते थे, बट यहाँ पूछ रहे नो बुक, तो नो बुक तो गलत है, यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ पार्ट इसका ये वाला पार्ट तो कॉपी में जा ही रहा है। फिर पूछ रहे फ्यू पेन्स आर रेजर, अब देखो पेन का ये वाला पार्ट पेंसिल में है, ये वाला पार्ट पेंसिल रेजर में है, राइट? तो सेकंड इज ट्रू है, सेकंड ट्रू है, फॉलो करेगा। फिर थर्ड पूछ रहे हैं ऑल पेंसिल्स मे बी कॉपीज, सारी सारी पेंसिल्स जो ये वाला पार्ट है वो कॉपी हो सकती है। देखो अब जो ये वाला पार्ट पेन में चला गया, इसका ये वाला पार्ट जो पेन में घुस गया है
वो वाला पार्ट पेंसिल कभी भी कॉपी में नहीं जाएगा, क्योंकि पेन बोल रहे हैं, पेन कॉपी है नहीं, तो ऑल पेंसिल्स कॉपी नहीं हो सकती हैं, इट कैन नॉट बी द पॉसिबिलिटी, तो ये रॉन्ग हो जाता है। सम पूछते तो सम ट्रू हो जाता, सम जा सकता था, बट ऑल पार्ट, जो पार्ट पेंसिल का पेन में चला गया वो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओनली यहाँ पर सेकंड फॉलो कर रहा है, राइट, सेकंड फॉलो कर रहा है, मीन्स यहाँ पर हम ऑप्शन डी टिक करेंगे, डी इज राइट हेयर। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं, ईच लेग इज, ईच मतलब ऑल होता है, ऑल लेग क्या हो जाएंगे, ऑल लेग इज हैंड, सारे सारे लेग हैंड है, फ्यू हैंड्स आर हेयर्स, कुछ हैंड्स क्या है, हेयर्स हैं, ये हेयर्स हो गए, ये हैंड हो गए, नो हेयर्स आर ईयर, तो ये जो हेयर्स हैं वो ईयर नहीं है, एंड मोस्टली ईयर्स, अब इसको लिखना पड़ेगा पूरा, मोस्टली ईयर्स क्या है, आई है, तो ये आई हो गई, और यहाँ पर ये क्या था, ये हैंड था, राइट, इस तरह से हमने इसको बना लिया वेन डायग्राम। अब देखो क्या पूछ रहे, ओनली लेग्स आर हैंड्स, अब ओनली पूछ रहे मतलब क्या होना चाहिए, उल्टा कर दो, ऑल हैंड्स आर लेग्स, क्या ये है, ऑल हैंड्स लेग्स है, नहीं है, ऑल लेग्स हैंड, तो फर्स्ट इज रॉन्ग हेयर, फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो गया। ईच हैंड में भी ईयर्स मतलब ऑल हैंड में मतलब पॉसिबिलिटी, सारे के सारे हैंड ईयर्स हो सकते हैं, नहीं, अब जो ये वाला पार्ट हैंड का हेयर में चला गया वो तो ईयर में जाएगा नहीं, तो ये भी गलत हो जाता है, अगर सम पूछे तो पॉसिबिलिटी में ट्रू हो जाता, बट ऑल पूछ रहे हैं इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऑल पार्ट जो इसका ये वाला पार्ट हेयर में आया है वो ईयर्स में नहीं जाएगा। फिर क्या है नेक्स्ट, सम हेयर्स आर आईज, सम हेयर्स आर आईज, अब सम हेयर्स, हेयर ये लिखा, आईज ये लिखा है, पॉसिबिलिटी नहीं, डेफिनेट केस पूछ रहे हैं, जब हेयर ये लिखा हुआ है, आई ये लिखा हुआ है, तो ये मिल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं चला कि क्या है इनका आपस में, तो इसलिए इसको रॉन्ग कर देंगे, वी कांट से एनीथिंग तो रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। आंसर में क्या टिक करेंगे, फिर यहाँ पर पूछ रहे हैं बोथ, यहाँ बोल रहे हैं वन, नाइदर, वन और टू बोल रहे हैं, तो लगा देंगे नन ऑफ द, कोई भी इसमें से फॉलो, कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यहाँ लिखना चाहिए था कि कोई फॉलो नहीं कर रहा है, नन फॉलोस, राइट, तो यहाँ पर नहीं रखा, लगा देंगे नन ऑफ द, राइट। आई होप समझ में आए होंगे आपको, क्लास से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, अरबिक क्लास में ही पूछे गए थे काफ़ी, तो होप है कि पीओ में भी पूछे जाएंगे, ये वाले इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इसकी प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अब देखो नेक्स्ट ये रख के हमको पजल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हिंदी लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स आराम से रीड कर सकते हैं यहाँ पर। देर आर एट पर्सन, आठ लोग हैं, ए सी डी के एल एम एन पी और आर, दे हु ज्वाइन, हु हैज टू ज्वाइन एन अकेडमी बट नॉट नेसे सेम ऑर्डर, इन्होंने अकेडमी ज्वाइन की है इन द डिफरेंट मंथ फ्रॉम जनवरी टू अगस्त, राइट, नो टू पर्सन इन द ज्वाइन द सेम मंथ, किसी ने भी सेम मंथ में ज्वाइन नहीं करी, अब आठ लोग हैं जनवरी टू अगस्त ज्वाइन करते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, मतलब पहले हमें क्या रखना पड़ेगा, सारे मंथ के नेम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई और लास्ट में अगस्त, एट मंथ यहाँ पे हो गए। फिर क्या लिखा बोल रहे हैं, टू पर्सन ज्वाइन बिटवीन सी और एन, सी और एन के बीच दो लोगों ने ज्वाइन किया है और एन ने जनवरी में नहीं किया है, मतलब एन यहाँ पर तो नहीं आएगा, राइट, और सी और एन में दो लोग आएंगे। आर ज्वाइंस द अकेडमी इमिडिएटली आफ्टर एन, एन के बाद करी है आर ने, जो आर है वो इसके तुरंत बाद आ जाती है, राइट, बट नॉट द मंथ ऑफ हैविंग 30 डेज, लेकिन उस महीने में जिसमें 30 डेज होते हैं, मतलब जो आर वाला मंथ होगा उसमें 31 डेज होंगे, या फिर फरवरी मतलब 29 डेज भी हो सकते हैं, इसका मतलब 30 डेज नहीं होंगे बट 31 या 29 हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पढ़ते, दो लाइन में यहाँ पढ़ ली, नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइनिंग बिटवीन आर एंड डी, आर और डी के जितने भी लोग हैं उन्होंने, वो इक्वल हैं किसके, डी और पी के, जितने भी आर और डी के बीच में आएंगे वो किसके इक्वल आएंगे, डी और पी के बीच में इक्वल आएंगे, राइट, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर बोल रहे हैं ए डज नॉट ज्वाइन आफ्टर पी, ए ने पी के बाद ज्वाइन नहीं किया है, इसका मतलब ये है कि ए ने पी से पहले ज्वाइन किया होगा, कहीं ना कहीं पहले ज्वाइन किया होगा, राइट। अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं, सी ज्वाइंस द एकेडमी इन द मंथ हैविंग 30 डेज, सी ने जहाँ भी ज्वाइन किया है उसमें कितने डेज आ रहे हैं, 30 डेज आ रहे हैं जहाँ भी सी ने ज्वाइन किया है, राइट। फिर क्या है नेक्स्ट, एल ज्वाइंस, एल डजंट ज्वाइन इन द मंथ हैविंग 31 डेज, एल ने जहाँ भी ज्वाइन किया है उसमें 31 डेज नहीं है, इसका मतलब क्या है, 30 डेज होंगे या फिर 29, मतलब फरवरी वाला हो सकता है, 31 डेज यहाँ पर नहीं होंगे, राइट। अच्छा अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हम कहाँ कहाँ पर कितने कितने डेज हैं, जनवरी की अगर हम यहाँ पर बात करें, जनवरी में कितने डेज होते हैं, जनवरी में होते हैं 31, देन मार्च 31, देन मई में, देन जुलाई और अगस्त 31 होते हैं, बाकी सब में 30 इसमें और इसमें 29, 28 जितने भी होते हैं यहाँ पर, राइट। अच्छा वो डिपेंड करता है, बट हाँ यार 30 और 31 का डेटा जो रखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क करेंगे। आप क्या बोल रहे हैं, सी वाला है, जो पर्सन है उसने ज्वाइन किया है 30 डेज वाले में, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी बन रही, दो ही 30 डेज वाले हैं, अप्रैल या फिर जून, तो सी ने या तो अप्रैल में किया होगा या फिर जून में किया होगा, राइट।
तो दोनों मान के चलते हैं एक बार। देखो अगर मैं मान रही हूँ कि सी ने यहाँ पर किया, सी ने कहाँ किया, अप्रैल में किया है, राइट, और ये हो सकता है कि सी ने जून में, तो पहले जून चेक कर ले, जून से यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, इसलिए पहले जून चेक कर लेते हैं। तो जून में यहाँ पर ये हुआ, टू के गैप पर एन ये आ गया। अब एन के नीचे क्या आना है, आर आना है, और आर कहाँ पे आना है, आर 31 डेज, लेकिन आर का आर 30 डेज पर आ रहा है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाती है, इसका मतलब सी यहाँ पर तो है ही नहीं, इसका मतलब सी कहाँ पर है, सी अप्रैल में कंफर्म हो गया। अब सी अप्रैल में दो स्पेस के ऊपर एन, एन यहाँ बोल रहे हैं जनवरी में आएगा, नहीं पहले ही मना कर दिया, इसका मतलब एन कहाँ आएगा, नीचे आएगा, राइट, और एन के जस्ट नीचे कौन सा आना है, आर, आर में 31 डेज होने हैं, 31 डेज हैं, तो ये वाला काम तो हमारे यहाँ पर निपट गया, ठीक है। अच्छा अब क्या बच रहा है, देखो अब जो एल है, एल ने किया है 31 डेज वाले में, नहीं किया है एल ने, राइट, एल ने किया है किस किस में, 30 डेज में या फिर 29 डेज में। अब दो पॉसिबिलिटीज, अब देखो कहाँ कहाँ पर स्पेस बच रहा है, एन सॉरी एल रखने का, या तो एल फरवरी में होगा या फिर एल कहाँ पर होगा, जून में होगा, दो ही जगह बच रही है, या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर, और कोई जगह यहाँ पर नहीं है। अच्छा अगर हम आर और आर डी और डी और पी की अगर हम बात करें, तो देखो आर तो आ चुका है हमारा, राइट, अब इसका मतलब आर ये है, आर नीचे आया हुआ है, इसके मतलब कि थोड़े स्पेस पे यहाँ पर डी होगा, उतने ही स्पेस पे यहाँ पर पी होगा, ऐसा कुछ होगा। तो देखते हैं क्या क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज इसकी बन रही हैं, एक बार चेक करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। देखो आर यहाँ पर आ चुका है, अगर हम यहाँ पर मान के चलें कि यहाँ पर एक ही पर्सन है, राइट, तो डी हमारे यहाँ पर आ जाएगा, राइट, अब हमें यहाँ पर एक पर्सन लेना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है, एक के बाद यहाँ पर सी आया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर एक पर्सन तो पॉसिबल नहीं है रख पाना, तो मेरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दो, टू पर्सन हो, राइट, अब आर ये आ चुका दो के गैप पर, हो सकता है डी यहाँ पर आ रहा है, आ जाए, और फिर दो के, फिर वन और टू के गैप पर यहाँ पर क्या आ जाए, पी आ जाए, तो ये हो सकता है पी के ऊपर मुझे रखना है ए रखना है, तो इसका मतलब पी के ऊपर ए यहाँ पर पॉसिबल केस बन रहा है। अगर मैं और पर्सन काउंट करूंगी तो फिर डी यहाँ आएगा, फिर इतना स्पेस नहीं है कि हम पी को ऊपर रख पाए, तो पता लग गया हमको कि यहाँ पर दो दो पर्सन का गैप हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर वन और टू रखा, यहाँ पर डी रख दिया, वन और टू यहाँ पर क्या आएगा, पी, और पी के ऊपर क्या रखना है हमको, ए, तो ये वाला काम खत्म यहाँ पर, ये वाला काम खत्म। अब एल का रखना है 30 डेज पर, देखो 31 है मार्च का बच रहा है और जून, तो एल यहाँ पर आ गया, क्या बचा, बस आई थिंक क्या बचा देखते हैं, के बच रहा है, राइट, तो यहाँ पर के प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाती है हमारी, क्वेश्चन बता जाते हैं क्या बोल रहे हैं हमसे, बोल रहे हैं एल के बाद किसने ज्वाइन किया है, एल के बाद दो लोगों ने किया है, एन ने और आर ने, देखो एन और आर मतलब ओनली एन और ओनली आर है, दो दे रखे, मतलब ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, बोथ वन एंड सेकेंड, राइट। नेक्स्ट देखो सी ने कब ज्वाइन किया है, सी ने ज्वाइन किया अप्रैल में, लेटेस्ट ऑप्शन यहाँ पर बी टिक करेंगे। नेक्स्ट बोल रहे हैं पी और एल के बीच में कितने लोग हैं, पी ए है फिर और एल ये है, कितने हैं, 1 2 3, थ्री मीन्स, अच्छा सी के और डी, सी के और डी, सी के डी मतलब ऑप्शन यहाँ पर डी टिक करेंगे, सी के और डी, राइट। नेक्स्ट देखो हु ज्वाइंस द अकेडमी इन द मंथ विद मिनिमम डेज, मिनिमम डेज मैंने बताया फरवरी है, फरवरी मिनिमम डेज है, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 29 या फिर 28 डेज होंगे, किसने किया है, पी ने, पी मीन्स यहाँ पर ऑप्शन डी टिक करेंगे, ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो हु ज्वाइंस, हु इज द फिफ्थ पर्सन टू ज्वाइन द अकेडमी, पांचवें व्यक्ति कौन है, फर्स्ट इज दिस, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फिफ्थ कौन है, डी है, डी मीन्स ऑप्शन यहाँ पर बी टिक करेंगे, डी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर टिक करेंगे, ऑप्शन बी इज राइट है, ऑप्शन बी ठीक है बट आंसर डी ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिर से एक पजल दे रखी है, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, देयर आर 9 बॉक्सेस, 9 यहाँ पर बॉक्सेस हैं ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग रंगों के हैं, कौन कौन से कलर हैं यहाँ दे रखे हैं, रेड, ग्रे, वायलेट, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, पिंक, येलो और ग्रीन, जरूरी नहीं इसी क्रम में। फिर लिखा है दे आर कैप्ट इन अ स्टैक, एक स्टैक में रखे गए हैं, बॉटम इज नंबर 1 एंड टॉप मोस्ट इज नंबर 9, बॉटम 1 है उसके बाद 9 पर है। अच्छा सीधी सी बात है भाई, बनाना स्टार्ट करेंगे, बॉटम 1 है, टॉप 9 है, 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, राइट। अच्छा फिर क्या लिखा है यहाँ पर, ओनली 2 बॉक्सेस आर कैप्ट बिलो द ब्लू बॉक्स, ब्लू के 2 बॉक्सेस है, राइट, तो ब्लू कहाँ पर हो गया, थर्ड नंबर पर ब्लू हो गया, कन्फर्म केस था, कंप्लीट हो गया। देर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन ब्लू एंड येलो, अब ब्लू यहाँ पर है, 2 बॉक्स का गैप पे येलो, नीचे तो पॉसिबल नहीं है, तो ऊपर ही आएगा येलो, कहाँ पर आ गया हमारा, थर्ड नंबर पे, 6 नंबर पे आ गया, राइट, थर्ड पे ब्लू आया हुआ है, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर ये बोल रहे हैं एटलीस्ट 3 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन येलो एंड वायलेट, कम से कम 3 है, मतलब 4 काउंट करनी पड़ेंगे, ऊपर तो पॉसिबल नहीं है, तो 1 2 3 4, मतलब वायलेट कहाँ पर आ जाएगा, वायलेट आ जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर पे, और तो कहीं पॉसिबल ही नहीं था पाना। अच्छा ये भी कंप्लीट हो गया। ब्लैक बॉक्स इमीडिएटली ऑफ द वायलेट, ब्लैक इसके तुरंत ऊपर है, मतलब ब्लैक यहाँ पर आ गया है ना। अच्छा ये भी कंप्लीट। फिर क्या बोल रहे हैं, देयर आर एटलीस्ट 5 बॉक्सेस, 5 बॉक्स है किस किस के बीच में, ब्लैक और ग्रीन, मतलब 5 है, काउंट कर लो, ब्लैक ही आ चुका, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर, मतलब 2 कंडीशन यहाँ बन रही है कम की, ग्रीन यहाँ पर भी आ सकता है और ग्रीन यहाँ भी आ सकता है, 2 जगह बन रही है ग्रीन आने की, राइट, कोई बात नहीं, दिख लेते हैं हम ग्रीन यहाँ पे, 2 जगह पे ग्रीन आ रहा है, तो यहाँ लिख लिया मैंने ग्रीन।
जिनकी दो जगह है, 9 और 10 पर आ सकता है। अच्छा, देर आर एटलीस्ट 3 बॉक्सेस बिटवीन ग्रीन एंड पिंक। अब एक बार बात सुनो, यहाँ पर कम से कम 3 बॉक्स है और पिंक की बात कर रहे हैं। पिंक जो है वो व्हाइट की जस्ट यहाँ लिखा है, विच इज इमीडिएटली ओवर व्हाइट। जो पिंक वाला बॉक्स है वो क्या होगा, व्हाइट वाले बॉक्स के जस्ट ऊपर आना है, इस तरह से आना है। अब अच्छा एक बार और यहाँ पे पढ़ लेते हैं, लास्ट लाइन लिखी हुई है कि नन ऑफ द प्राइम नंबर बॉक्स इज रेड। एक रेड कलर का बॉक्स है जो प्राइम नंबर पे नहीं आना, जो कहाँ पर नहीं आना है, प्राइम नंबर पे नहीं आना। अब देखो इनको कैसे सेट करेंगे, जिनके दो बॉक्स दो जगह बच रही है हमारी आने की। जस्ट सपोज ये ग्रीन 8 पर आ रहा है, जस्ट सपोज की 8 पर आ रहा है तो 3 बॉक्स रखने हैं ग्रीन और पिंक के बीच में। तो 1, 2, 3 आप यहाँ पे पिंक रखेंगे, बट पिंक के नीचे मुझे रखना है व्हाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है रख पाना। इसका मतलब पता लग गया कि ग्रीन कहाँ पर आ रहा है, ग्रीन आएगा फिर 9 नंबर पे, और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर पॉसिबल भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ग्रीन आ गया और 3 बॉक्सेस 1, 2, 3 यहाँ पर पिंक रख देंगे और पिंक के नीचे क्या रखना है, व्हाइट रखना है। ये व्हाइट यहाँ पर आ गया और क्या बोल रहे हैं हमसे, और बोल रहे हैं कि रेड प्राइम नंबर पे नहीं आना है। अब 7 क्या है, प्राइम है, 8 क्या है, प्राइम नहीं है। इसको मतलब रेड कहाँ आएगा, 8 नंबर पे। क्या बचा, कौन सा कलर बचा है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। कलर बच रहा है आई थिंक रेड ग्रे, आई थिंक ग्रे ही बच रहा है, राइट। तो ग्रे आ गया हमारा 7th नंबर पे। कंप्लीट हो जाती है पजल, ईजी थी काफी। क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहे हैं व्हाट इज द कलर ऑफ फोर्थ बॉक्स फ्रॉम द टॉप, फोर्थ बॉक्स फ्रॉम द टॉप। तो टॉप से तो ये है 1, 2, 3, 4, इट इज येलो बॉक्स। येलो मीन्स ऑप्शन, यहाँ पर हम बी टिक करेंगे। नेक्स्ट क्या है, रेड और ब्लू के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, रेड ये लिखा हुआ है, ब्लू ये लिखा हुआ है, राइट। तो चेक कर लो 1, 2, 3, 4, 4 मींस ऑप्शन यहाँ पर हम डी टिक करेंगे, 4 बॉक्सेस आर देयर, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहे हैं विच इज अमंग द फॉलोइंग बॉक्सेस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कौन से यहाँ पे अलग है। देखो ग्रे, ग्रे आ गया, नेक्स्ट ब्लू, ब्लू ये है, पिंक, पिंक ये है, देन रेड, रेड यहाँ पर है, एंड देन ब्लैक, ठीक है। अच्छा एक बार नोटिस करो, तो यहाँ पर ये सब प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, बट 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो 8 यहाँ पर अलग हो गया, रेड यहाँ पर हम टिक कर, रेड मीन्स ऑप्शन यहाँ पर डी टिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द कलर ऑफ द बॉक्स दैट कैप्ट एट द बॉटम, बॉटम मोस्ट बॉक्स क्या है, बॉटम मोस्ट बॉक्स इज 1 दैट इज वॉयलेट कलर, मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम सी टिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वॉट इज द कलर ऑफ द बॉक्स विच इज कैप्ट द 3 बॉक्सेज बिलो द येलो कलर, येलो कलर के नीचे 3 बॉक्स नीचे, तो येलो ये लिखा हुआ है 1, 2, 3, 3rd पे कौन है यहाँ पर, ब्लू, दैट इज ऑप्शन यहाँ पर हम बी टिक करेंगे, ब्लू इज राइट हेयर। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा कंप्लीट हो गया हमारे क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो है ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जो कि आपको एक ये कोर्स मिल रहा है रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स, जो आपको मिलेगा कहाँ पर, ऐप पर मिलेगा। ऐप डाउनलोड करेंगे आप प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर पर जाकर आप करंट अफेयर फंडा का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रीजनिंग का कोर्स मिलेगा जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड डिस्कस किए टॉपिक्स। उसके बाद यहाँ पर मेंस की लेवल पजल हैं और टॉपिक बेस के बाद हम लोगों ने मेंस जो प्री की पजल्स आती हैं मॉडरेट लेवल तक की वो सॉल्व की हैं। सारे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एक बार आप इसको जरूर से चेकआउट करें ऐप पर जाकर। फाइन, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।